आज सरदार पटेल जी के जन्मदिन के उपलक्ष में ये उनकी जो ड्राइंग है वो किसने बनाया है? सत्यम ने, और बहुत सुंदर बनाया है। वेरी गुड बेटा, चलो सीट पर। हम लोगों ने सरदार पटेल जी के बारे में पढ़ा है ना, पाठ था हिंदी में, तो आज उनके बारे में आप लोग हमें बताएंगे, ठीक? श्रद्धा, उनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। वेरी गुड। विष्णु कहाँ हुआ था? उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम झबेर भाई पटेल था। झबेर भाई पटेल, वो क्या करते थे? किसान थे वो। वेरी गुड। उनके बचपन की घटना किसको याद है? हर्ष, उनके बचपन की घटना ये कि उनके पास एक फोड़ा निकल आया था, इसलिए बहुत दवाई कराई गई लेकिन उनका फोड़ा नहीं सही हुआ। एक आदमी ने बताया कि एक सलाख, लोहे की सलाख गर्म कर इनके आग में छुआ दिया जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। आग में सलाख गर्म कर लिए थे लेकिन किसी के छुआने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बोले कि देखते क्या है, सलाख ठंडी हो रही, इसलिए वो अपने से उठाए, अपने आँख में छुआ कर फोड़ा फोड़ लिया, इसलिए उनको लोग भूस कहा जाता है। कितने हिम्मत ही थे। अच्छा, उनके विद्यार्थी जीवन की घटना किसे याद है? चलो सत्यम बताओ। मैं जब अपने गांव से विदेश पढ़ने के लिए गए तो उनके हॉस्टल से वो लाइब्रेरी 11 मील दूर थी। वह सुबह जाते और दिन भर पढ़ते, जब शाम को लाइब्रेरी बंद होती तब वह चले आते, इसीलिए वो वकालत की परीक्षा में फर्स्ट आए। है ना, कितनी मेहनत, 11 मील जाना फिर आना। अच्छा, हम लोगों ने पाठ में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने कैसे कितने आंदोलन किए, लोगों के अंदर उत्साह भरा, है ना, उनको हिम्मत दी, लेकिन वो सबसे बड़ा क्या काम था जिसके लिए हम हमेशा उनको याद रखेंगे? समीर बताइए। लगभग 600 रियासतें हैं थी, अभी नहीं। हाँ, वो अलग अलग छोटी छोटी जगह पे थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लड़कर प्यार से कुछ कर 600 रियासतें को एक किया। तो आज जो भारत है वो किसके कारण है? अच्छा, उनके इस अविस्मरणीय कार्य के लिए उनको क्या सम्मान दिया गया था? भारत रत्न। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए शशि, जब देश आजाद हुआ था तो फिर क्या कार्यभार उन्होंने संभाला था? गृह मंत्री थे वो। वेरी गुड। तो सरदार पटेल जी जो थे उनकी एक प्रतिमा भी बनाई गई है, कहाँ पर बनाई गई है किसको पता है? कहाँ बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई है। उसका नाम पता है किसी को? यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत ऊंची सी है ना। तो सरदार पटेल जी जो थे वो इतने ज़्यादा हिम्मती थे, इतने साहसी थे, अपना काम इतनी मेहनत से करते थे, ये चीज़ें हमें हमेशा उनसे सीखनी चाहिए। सरदार पटेल जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। ये नहीं कि अगर उन्होंने सोचा हमें पढ़ाई करनी है, अरे आज मन नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है, ये चीज़ सबके जीवन में होनी चाहिए, है ना। तो आज उनके बर्थडे पे अब लास्ट में सब लोग क्या कहोगे? है ना, और सब लोग सरदार पटेल जी की तरह बनने का प्रयास करोगे? यस मैम। वेरी गुड।